नमस्कार, मैं वैशाली। आज मैं बना रही हूँ मुंबई का, महाराष्ट्र का बहुत ही फेमस स्ट्रीट फूड वड़ा पाव। और नॉर्मली हम जैसे आलू के पकोड़े, प्याज के पकोड़े तो बारिश के मौसम में बनाते ही हैं, तो इस बार बारिश के मौसम में आप बनाइए वड़ा पाव, जो जल्दी से बन भी जाता है। थोड़ा सा टाइम जरूर लगता है, लेकिन खाने में इसका टेस्ट बहुत ही जबरदस्त आता है। और जो आलू वड़ा होता है उसको सर्व करने के लिए पाव लिया जाता है। पाव तो रेडीमेड हम लेकर ही आते हैं मार्केट से। और जैसे कि मैंने इसमें सूखी चटनी लगाई, चाहे तो आप ग्रीन चटनी भी लगा सकते हो, ड्राई चटनी भी लगा सकते हो। और उसमें तली हुई मिर्ची रखते हैं, फिर वड़ा रखते हैं उसमें, और उसको प्रेस किया जाता है, फिर उसे खाया जाता है, तो उसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। तो चलिए देखते हैं किस तरह से मैंने वड़ा पाव बनाया है। तो ये देखिए, आलू बड़े का मसाला बनाने के लिए मैंने लगभग 5 से 6 बड़े साइज के आलू लिए थे, जिसे अच्छी तरह से उबाल लिया था प्रेशर कुकर में 2 से 3 सीटी, और उबलने के बाद ये ठंडे हो गए। उसके बाद मैंने इसे हाथों से ऐसे क्रश किया हुआ, एकदम चूरा नहीं किया हुआ, आप देख सकते हो हाथों से इसे तोड़ा है। अब मसाले देख लेते हैं। तड़के के लिए मैंने 1/2 चम्मच राई और जीरा लिया हुआ, 1/2 चम्मच, 1/4 चम्मच मैंने हींग लिया हुआ है, 2 चम्मच मैंने धनिया पाउडर लिया हुआ, और यहाँ पर 2 से 3 चम्मच मैंने बेसन लिया हुआ। इससे क्या होता है कि टेस्ट भी अच्छा आता है मसाले में, और जो हमारी ये जो मसाला तैयार होगा आलू बड़े का, तो ये अच्छा तरह से सूख जाता है, मतलब गीला नहीं रहता। मान लो कि कोई कोई आलू ऐसे होते हैं कि थोड़े से नरम होते हैं, मतलब भूनने के बाद वो थोड़े सॉफ्ट से हो जाते हैं, ड्राई नहीं होते। तो बेसन एक अच्छी सी बाइंडिंग देता है और टेस्ट तो देता ही है बढ़िया। 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर है, 1/4 चम्मच मिर्च पाउडर। मैंने मिर्च कम ही ली हुई है, क्योंकि मैंने यहाँ पर अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट तैयार किया, फ्रेश ही कूटा है इसका, तो इसका फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आता है। तो मिर्च आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हो, जितना आप चटपटा बनाना चाहते हो। तो मैंने इसमें 2 हरी मिर्च और लगभग 10 से 12 कलियां लहसुन की और 1/2 इंच का टुकड़ा अदरक का फ्रेश कूट लिया। आपके पास पेस्ट है तो आप पेस्ट भी डाल सकते हो। और यहाँ पे ये ऑप्शनल रखा हुआ है, मैंने पुदीना, मेरे पास आया था सूखा हुआ पुदीना तो वो लिया हुआ, तो मैं ये बाद में लास्ट में डालूंगी, तो इसका फ्लेवर बढ़िया होता है, पाचक भी होता है। अगर आपको पसंद है इसका फ्लेवर तो आप डाल सकते हो। और 1 चम्मच यहाँ पर सेंधा नमक लिया हुआ है, और 1 चम्मच ही मैंने अमचूर पाउडर लिया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं आलू बड़े का मसाला बनाना। तो ये देखिए, आलू बड़े का मसाला बनाने के लिए मैंने यहाँ कढ़ाई में 2 बड़ा चम्मच तेल डाल दिया था, और मैंने यहाँ सनफ्लावर ऑयल लिया हुआ, आप जो तेल यूज करते हैं वो ले सकते हो। तो तेल गर्म हो चुका है, तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ राई और जीरा, और गैस की आंच अभी मैंने धीमी कर दी है, क्योंकि सब हम मसाले डायरेक्ट तेल में ही डाल रहे हैं। हींग डाल देंगे, बढ़िया धीरे धीरे सारी चीज़ें भूनती रहेंगी। ये देखिए हींग डाल दिया मैंने, और इस तरह से चला लेंगे। जीरा भी बढ़िया भून रहा है, राई भी अच्छे से भून रही है, क्रैकल हो जाएगी। तो अब हम मसाले डालते जाएंगे इसमें। ये देखिए धनिया पाउडर, मान लो तेल बहुत गर्म हो गया तो आप गैस ऑफ भी कर सकते हो। मिर्च पाउडर, हल्दी, और डाल देंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट, लगभग 2 चम्मच के करीब ये हो गया है, ये देखिए, और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। बहुत अच्छी खुशबू आने लगी है, और मैंने फ्रेश ही कूटा है, और अगर आप फ्रेश कूट के डालते हो ना मसाले, तो उसका फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आता है सब्जी में, ये देखिए। और गैस की आंच बिल्कुल धीमी रखी, और आप देख सकते हो कि मैंने जो कढ़ाई ली हुई है एनोडाइज, इसका तली, इसके जो बेस होता है वो काफ़ी हैवी होता है, तो मसाले एकदम जलते नहीं है। मान लो आपने स्टील की कढ़ाई ली है, लोहे की कढ़ाई ली है, तो आप गैस ऑफ कर दो और फिर मसाले भूनो, क्योंकि इसमें प्याज नहीं डाला है, तो हम डायरेक्ट मसाले तेल में भून रहे हैं तो जल ना जाए। तो ये देख सकते हो आप, हल्का सा कलर चेंज हो गया, तो अभी मैं बेसन डाल दूँगी, साथ में बेसन भी भून जाएगा और मसाले भी भून जाएंगे। तो बस धीमी आंच पे इस तरह से भून लेंगे हम, लगभग 3 से 4 मिनट भून लेंगे, क्योंकि बेसन का कच्चापन हमें दूर करना है। मान लो आप पहले से भुना हुआ बेसन भी इसमें डाल सकते हो, पर मैं भी मसाले के साथ ही भून रही हूँ। ये देखिए इस तरह से चलाते हुए भून लेंगे, और बहुत ज़्यादा ऑयल भी नहीं डालेंगे, कम ऑयल में हमारा ये मसाला तैयार हो जाएगा। ये देखिए इस तरह से चलाते रहेंगे। तो ये देखिए लगभग 3 से 4 मिनट हो चुके हैं, और हमारा ये मसाला बढ़िया तैयार हो गया है। बेसन का कलर भी आप देख सकते हो, मसाला भी अच्छी तरह से भुन गया उसी के साथ में, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। जब बेसन भुनता है तो बहुत अच्छी खुशबू आने लगती है। तो अब मैं इसमें नमक डाल दूंगी, तो 1 चम्मच यहाँ सेंधा नमक लिया हुआ मैंने,
और जितना आप चटपटा खट्टा टेस्ट पसंद करते हो उस हिसाब से अमचूर पाउडर डाल सकते हो। तब अमचूर डाल दूंगी और दोनों को बढ़िया मिक्स कर देंगे। गैस की आंच धीमी ही रखी हुई है, ये देखिए अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। नमक और अमचूर अच्छी तरह से मिक्स हो गए हैं, तो अब मैं इसमें ये क्रश किया हुआ आलू डाल दूंगी, ये देखिए। और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे मसाले को आलू के साथ में, ये देखिए। तो ये देखिए मसाले को बढ़िया मिक्स कर देंगे आलू के साथ में, और आप देख सकते हो कितना बढ़िया कलर आ रहा है और बहुत ही अच्छी खुशबू भी आ रही है अदरक लहसुन की, जो हमने मसाले यूज़ किए हैं। और बहुत ही अच्छी स्टफिंग हमारी ये दिख रही है आलू बड़े की, ये देखिए। और इस मसाले में ज़्यादा तेल भी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये देखिए। बेसन को भूनने के लिए ही बस ऑयल डाला है, चाहे तो अब जैसे मैंने पहले बोला आप बेसन पहले से भून के भी इसमें डाल सकते हो, ये देखिए। और अब ये भी देख सकते हो कि आलू एकदम से चूरा नहीं किया हुआ, कोई बड़ा टुकड़ा है तो उसे आप क्रश कर दीजिए, तो इस तरह की जो मतलब आलू बड़े में इस तरह का आलू अच्छा लगता है। और जैसे मान लो आपको इसमें बेसन पसंद नहीं है, तो आप जो ये मसाला बना रहे हो तो उसको क्या करना पड़ता है, काफ़ी भूनना पड़ेगा, मतलब अगर मॉइस्चर है आलू में तो काफ़ी सुखाना पड़ता है, ये देखिए इस तरह से। तो अभी हमें क्या करना है कि 2 से 3 मिनट इस तरह से भून लेंगे लो से मीडियम हीट पे, ताकि ये सारे फ्लेवर जो है मसाले के आलू में अच्छी तरह से आ जाए। तो ये देखिए आलू बड़े के मसाले को मैंने लगभग 3 से 4 मिनट भून लिया है, और आप देख सकते हो कितना बढ़िया कलर आ चुका है, बहुत ही बढ़िया हमारा ये मसाला तैयार हो गया। आप इस स्टेज पे टेस्ट करके भी देख सकते हो कि अगर आपको नमक या कुछ और डालना है तो आप डाल सकते हो। तो ये देखिए हमारा मसाला तैयार हो चुका है, तो अब मैं गैस ऑफ कर दूँगी और अब मैं इसमें एंड में डालूँगी ये जो पुदीना मैंने लिया हुआ ड्राई वाला, ये डाल सकते हो। चाहे आपको पुदीना नहीं पसंद है तो आप हरा धनिया डाल सकते हो, ये देखिए मिक्स कर देंगे। और ये फिर ये जो हमारा मसाला तैयार हुआ इसे एक अलग बर्तन में निकाल देंगे, या थाली में भी निकाल सकते हो, ताकि जल्दी से ठंडा हो जाए। तो ये देखिए जब तक हमारा आलू का मसाला ठंडा हो रहा है तब तक हम बैटर बना लेते हैं बड़े को बनाने के लिए। तो यहाँ मैंने लगभग 1.5 कप बेसन लिया हुआ है, तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 चम्मच के करीब सेंधा नमक, और थोड़ी सी मिर्च डाल रही हूँ मैं 1/4 चम्मच। इसमें इतनी ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारी स्टफिंग ही बहुत मतलब जो बड़े का मसाला है वो ही बहुत ही बढ़िया बना है, और हल्दी भी ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो कलर भी डार्क हो जाता है। तो ये भी 1/4 चम्मच ही लिया है मैंने, और 1/4 चम्मच हींग डालूंगी, हींग का फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है और डालनी भी चाहिए। और मैं डाल रही हूँ उसमें 1 चम्मच तेल, इससे क्या होता है बढ़िया सॉफ्टनेस भी आता है और अच्छी तरह से फूलते भी हैं आलू बड़े। और मैं इसमें बड़ों को क्रंची बनाने के लिए इसमें डाल रही हूँ 2 बड़ा चम्मच आरारोट, ये देखिए। चाहे अगर आपके पास आरारोट है तो आप आरारोट डालिए, नहीं तो आप कॉर्न स्टार्च भी डाल सकते हो, ये देखिए। पहले सूखी चीज़ों को बढ़िया मिक्स कर लेंगे और उसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी डाल के घोल तैयार कर लेंगे, बैटर तैयार कर लेंगे। और बैटर तैयार करते वक्त ये भी ध्यान रखना है आपको कि पतला नहीं बना देना है एकदम से, क्योंकि थोड़ा सा थिक रहता है इसका बैटर, क्योंकि जो हमने मसाला तैयार किया आलू का, तो वो जब हम इसमें डिप करके कोट करके तलेंगे तो उस पर अच्छी तरह से कोट होना चाहिए। अगर पतला रहेगा तो ठीक से कोट नहीं होगा, और बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा तो सिर्फ वो ढंग से उस पर बैटर कोट भी नहीं हो पाएगा, तल भी नहीं पाएगा, इसलिए ध्यान रखना होगा। और बैटर बनाने के बाद हम थोड़ी देर के लिए रखेंगे भी, क्योंकि अभी हमारी जो बड़े का मसाला है वो भी ठंडा हो रहा है, तो लगभग 10 मिनट लग जाएगा, तब तक हमारा ये घोल भी बढ़िया सेट हो जाएगा। क्योंकि बेसन को भी जब हम घोलते हैं तो ये भी फूलता है, और तब हमारे जो ये अगर आप कोई भी पकौड़ा बना रहे हो नॉर्मल प्याज का आलू का, तो वो बहुत ही बढ़िया बनते हैं और अच्छी तरह से फूलते भी हैं, सॉफ्टनेस भी आती है। तो ये देखिए अच्छी तरह से फेंटते हुए बना लेंगे, इस तरह से फेंट लेंगे। तो ये देखिए बैटर को मैंने बढ़िया 2 से 3 मिनट अच्छी तरह से फेंट लिया है, ये देखिए। और कलर भी आप देख सकते हो कितना बढ़िया दिख रहा है, बहुत ज़्यादा हल्दी मत डालिएगा, ये देखिए। और बढ़िया स्मूथ सा बैटर बन गया है, बिल्कुल भी गुठली भी नहीं पड़ी है। तो अब हम इस बैटर को रख देंगे लगभग 10 मिनट के लिए, तब तक मतलब हमारा आलू का मसाला भी ठंडा हो जाएगा। देखिए हमारे आलू बड़े का मसाला ठंडा हो चुका है, तो इस तरह से हम बॉल्स बना लेंगे इसके,
और जितने बड़े आपको साइज के, मतलब जितने बड़े साइज के आपको आलू बड़े बनाने हैं, उस हिसाब से आप बॉल्स बना सकते हो। ये देखिए बहुत ही बढ़िया हमारा ये मसाला तैयार हुआ है, ये देखिए कितना बढ़िया दिख रहा है। तो इस तरह से हम बॉल्स बना लेंगे, ये देखिए, और इस तरह से बना के रख लेंगे तो फिर तलने में आसानी हो जाती है। फटाफट बस हमें डिप करना है बेसन के घोल में और बड़े तल लेने हैं। तो ये देखिए बड़े तलने के लिए हमारा ये बैटर भी एकदम परफेक्ट हो गया। ये देखिए पानी डालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मान लो गाढ़ा हो जाता है तो आप थोड़ा सा पानी भी डाल सकते हो। तो शुरू करते हैं बड़े तलना। तो आप हाथ से भी बड़े डाल करके ऐसे डिप करके इसमें मिक्स करके डाल सकते हो, डिप करके, या फिर आप चम्मच से भी डाल सकते हो। तो मैं दिखा रही हूँ आपको चम्मच से इस तरह से। ये देखिए कितना बढ़िया दिख रहा है ये बैटर, और अच्छी तरह से कोट हो गया। तो अब हम ले जाते हैं कढ़ाई की तरफ। तो ये देखिए बड़े तलने के लिए मैंने कढ़ाई में तेल डाल दिया था, तेल गर्म हो चुका है। तो अब मैंने गैस की आंच धीमी कर दी है। ये देखिए अब मैं बड़ा डाल दूंगी इस तरह से, ये देखिए, और एक और डाल देती हूँ। चम्मच से डालने से थोड़ी आसानी हो जाती है, ये देखिए। और ये जो थोड़े थोड़े बेसन के जो ये लच्छे छूट जाते हैं, तो इसी से इसकी चटनी बनाई जाती है महाराष्ट्र में, वो बहुत ही फेमस है, लहसुन और सूखी लाल मिर्च के साथ में, ये देखिए। तो जैसे तेल में पूरी तरह से डिप नहीं हो रहे हैं बड़े, तो इस तरह से ऊपर से आप ऑयल डालिए तो ऊपर का भाग भी बढ़िया सिक जाता है। ये देखिए कितने बढ़िया दिख रहे हैं बड़े। तो शुरुआत में अगर आप डाल रहे हो तो एक डालिए, दो डालिए, कम डाल के देखिए। जैसे बनने लगते हैं तो फटाफट आप डालते जाइए और फ्राई करिए। तो ये देखिए अब मैं बड़ों को पलट दूंगी। ये देखिए कितने बढ़िया दिख रहे हैं हमारे आलू बड़े, ये देखिए। और लो से मीडियम हीट पे हम इन्हें फ्राई कर लेंगे, हल्का सा गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए, ये देखिए। और आप देख सकते हो कितने बढ़िया दिख रहे हैं हमारे ये आलू बड़े, बहुत ही अच्छा कलर भी आया है। अगर ज़्यादा और हल्दी और मिर्च डाल देते हैं तो अभी क्या होता है, फिर ये जो बड़े का कलर है अभी से डार्क दिखने लग जाता है। तो जब हमें मतलब फ्राई होने का पता नहीं चल पाता क्योंकि कलर डार्क दिखता है, तो आप थोड़ी सी हल्दी ही डालें। और ये देखिए इस तरह से फ्राई कर लीजिए बढ़िया। तो ये देखिए आलू बड़ों को मैंने इसी तरह से पलट पलट के बढ़िया 2 से 3 मिनट फ्राई कर लिया है, और आप देख सकते हो बढ़िया कलर आ चुका है, हल्का सा गोल्डन सा कलर आ गया है। तो अब मैं इन्हें निकाल लूँगी। ये देखिए यहाँ मैंने एक स्ट्रेनर लिया हुआ, आप देख सकते हो कितना बढ़िया दिख रहा है हमारा ये आलू बड़ा, ये देखिए। तो अब मैं इसे एक प्लेट पे निकाल लूँगी, और प्लेट पे मैंने टिश्यू पेपर रखा हुआ। तो ये देखिए इस तरह से बड़े अब हम फ्राई करते जाएंगे। मैं बड़े तलने के लिए डाल दूंगी, ये देखिए। आप जितने हैंडल कर सकते हो कढ़ाई में, 1 से 2 या आप 1-1 ही फ्राई कर सकते हो। तो ये देखिए इस तरह से बढ़िया हम फ्राई होने देंगे, और अभी काफ़ी जगह है तो मैं एक और डाल दूंगी इसमें, ये देखिए। और इस तरह से अब ऊपर से मैं गरम ये ऑयल डालूंगी, तो ऊपर का जो भाग है वो भी बढ़िया फ्राई हो जाता है, ये देखिए। और डालते से ये भी ध्यान रखना है कि एकदम से पलटना नहीं है बड़ों को, थोड़ी देर सेट होने देना, उसके बाद ही हम इन्हें पलटेंगे। और बढ़िया पलट पलट के 2-3 मिनट, 2 से 3 मिनट लग ही जाता है बड़ों को फ्राई होने में, हल्का सा गोल्डन ब्राउन कलर आते तक फ्राई कर लेना है, तभी हमारे जो बड़े हैं बढ़िया क्रिस्पी बनते हैं, ये देखिए। तो ये बढ़िया फ्राई हो गया, ये देखिए फ्लोट होने लगे हैं, तो मैं इन्हें पलट देती हूँ। ये देखिए कितने बढ़िया दिख रहे हैं हमारे आलू बड़े, ये देखिए। तो ये देखिए आलू बड़े तैयार, और यहाँ पर मैंने चटनी ली है, लहसुन, सूखी लाल मिर्ची, और इसमें पीनट डला है मतलब मूंगफली, और ड्राई चटनी है, और ये बहुत ही टेस्टी लगती है, और इसमें यही डलती है। और ये देखिए मैंने यहाँ पाव लिया, पाव तो रेडीमेड मिल ही जाता है, और इस तरह से हम इसे कट कर देंगे, ये देखिए। और पाव का साइज छोटा बड़ा मिल जाता है, आप कैसे भी ले सकते हो। तो ये देखिए कट कर दिया मैंने। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे चटनी डालेंगे। ये जो चटनी है वड़ा पाव की जान है, चाहे तो आप इस तरह से हरी मिर्च भी दबा करके खा सकते हो। ये देखिए इस तरह से हरी मिर्च रखी,
और महाराष्ट्र में सूखी चटनी डलती है और साथ में ये मिर्च। तो ये देखिए यहाँ पे लिया हमने ये वड़ा और बस इसे इस तरह से प्रेस कर देते हैं। तो ये देखिए हमारा ये वड़ा पाव बढ़िया तैयार हो गया है। तो ये देखिए गर्मा गर्म वड़ा पाव तैयार है खाने के लिए। तो आपने देखा इसे बनाना कितना आसान है, थोड़ा सा टाइम जरूर लगता है लेकिन टेस्ट इसका बहुत ही ज़बरदस्त आता है। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए।